नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना आधार कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा अपने गूगल क्रोम में। आप जिस भी क्रोम से या मोजिला फायरफॉक्स से या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर जाइए और यहाँ पर आप टाइप कीजिए UIDAI। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है आधार कार्ड की। तो आप जैसे ही इसे सर्च करते हैं तो इसका सबसे पहले जो लिंक आपको दिखाई देता है इसका होम पेज का, आप इसे यहां से ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से ये इसका एक होम पेज है जो कि खुल जाता है। तो इसके ओपन होने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ी सी बफरिंग हो रही है, आपको इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आना है। और नीचे लाने के बाद आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड लास्ट दिखेगा आपको एक ऑप्शन डाउनलोड आधार कार्ड। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको डाउनलोड करना बताता हूँ आधार कार्ड। तो आपको इस पर क्लिक करना है डाउनलोड आधार। आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक और ये एक छोटा सा मैसेज देता है, तो आपको इसे ओके कर देना है। और ओके कर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक नया पेज यहाँ पर, एक नया टैब हमारे PC में खुल चुका है। वहाँ पर वो चीज़ सर्च हो रही है डाउनलोड आधार कार्ड की। हम इसे यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करने के लिए कहता है। तो दोस्तों यहाँ आपसे मांग रहा है ये एनरोलमेंट ID या फिर आधार नंबर। तो हमारे पास एनरोलमेंट ID है, आपके पास आपकी स्लिप होनी चाहिए जिससे आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट से वो नंबर डाल देता हूँ जो नंबर ये एनरोलमेंट ID मांग रहा है। तो ये है 08054000 3 और उसके बाद 100017। ये करने के बाद दोस्तों ये आपसे टाइम पूछता है। टाइम दोस्तों आपको बिल्कुल करेक्ट डेट, मंथ और ईयर, और उसके बाद आपको टाइम बिल्कुल करेक्ट डालना है। तो 02072018, उसके बाद है 10:58:36 पर ये आधार कार्ड बना था। उसके बाद यहाँ पर ये नाम पूछता है तो हम इसे नाम दे देते हैं। जिसका आधार कार्ड है हमें उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। और उसके बाद जिस भी एरिया में आप रहते हैं, जहाँ भी आपको, जहाँ का आप आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ का पिन कोड आपको डायल कर देना है यहाँ पर। और ये टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक छोटा सा कैप्चर देता है, तो आप इस कैप्चर को इस बॉक्स में डालिए। और उसके बाद आप यहाँ से रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने एक छोटा सा मैसेज ओपन होता है। आपका ये कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं कि आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद ये कहता है कि जो आपने फ़ोन नंबर रजिस्टर करवाया था जिसके लास्ट में 6304 है, तो आप अगर इस नंबर पे OTP लेना चाहते हैं तो आप कंफर्म करिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये फ़ोन नंबर नहीं है तो आप इसे कैंसिल करिए और ये फ़ोन लेके आइए। तो दोस्तों हम इसे यहाँ से कंफर्म करते हैं, हमारे पास फ़ोन है। तो मैं वेट कर लेता हूँ OTP आने का, और OTP आते ही हम यहाँ पर वो OTP डायल कर देंगे। और दोस्तों OTP आ चुका है तो मैं OTP देखता हूँ एक बार। जी हाँ दोस्तों, OTP आ चुका है। मैं OTP यहाँ पर टाइप करता हूँ 722236। उसके बाद डाउनलोड आधार कार्ड पे हमें क्लिक कर देना है। और डाउनलोड आधार कार्ड पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड डाउनलोड होने लगा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना आधार कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, दूसरा मैसेज हमारे पास आ जाता है कि इस टाइम पर आपका आधार कार्ड डाउनलोड हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।